हे गाइस, वेलकम टू रेडिएंट सीए। आज हम बात करने वाले हैं फ्री सीए एजुकेशन जो सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन सारे सीए स्टूडेंट्स को दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं ये एक्चुअली है क्या। इसमें WIRC ऑफ ICI के साथ सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ज्वाइन होकर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है सारे सीए स्टूडेंट्स को। तो लेट्स बिगिन कि इसमें एक्चुअली है क्या और करना क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें पूरी प्रोसेस वगैरह इसकी क्या है। सबसे पहले इसमें गूगल डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, उस पर मैंने क्लिक किया है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब इसमें सारी केयरफुली टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है मैंने। ये कैंडिडेट का डिक्लेरेशन है और इसमें इन्फॉर्मेशन हमको फिल करनी है। उसमें सबसे पहले हमारा फुल नेम, देन जेंडर, मेल फीमेल या अदर्स जो भी जेंडर है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी ही डालनी है। देन मोबाइल नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और एड्रेस, स्टेट में हमें चूज़ करना है, सिटी है। देन पेरेंटल एनुअल इनकम, इसमें या तो लेस देन 3 लाख, 3 to 5 लाख, 5 to 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा। एंड इसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी है, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं 12th स्टैंडर्ड, आप पास आउट हैं, आप कर रहे हैं, बीकॉम ग्रेजुएट हैं वगैरह, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। कॉलेज आप कौन सा अटेंड कर रहे हैं, हाई स्कूल 10th में आपका CGPA कितना था या फिर परसेंटेज कितने थे, 12th में CGPA या फिर परसेंटेज कितने थे, और CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी आप यहाँ पर फिर कर सकते हैं। देन हाई स्कूल आपका CBSE, ICSE या कोई अदर रहा है, आपने CA फाउंडेशन क्लियर किया है या नहीं, इसमें यस या नो करना है। एंड आपने CA फाउंडेशन को क्लियर करने में कितने अटेम्प्ट्स आपको लगे हैं, इसमें 1, 2, 3 काफ़ी अटेम्प्ट्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जितने आपको लगे हों। हैव यू टेकन या करंटली एनरोल्ड इन एनी कोचिंग फॉर CA कोर्स, अगर कर रहे हैं आप कोई कोचिंग तो उसमें यस कीजिए या फिर नो। आप इंटर्नशिप ऑलरेडी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप आप करना चाहते हैं, इनमें यस या नो के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं, और ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो उसमें कितने परसेंटेज हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है दैट हैव यू लॉस्ट योर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड, इसमें यस या नो। एंड एक यहाँ पर अवेलेबल है इंफॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशन में कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो जिनके पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड चले गए हैं। ये सारा सबमिट करने के बाद हमारे पास जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। देन इसमें सिलेक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अब थोड़ी उस पर बात कर लेते हैं। इसमें ये लिखा है कि प्रायोरिटी को दी जाएगी दोज हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड, और इसी पर एक वेरिफिकेशन भी ड्यू वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जिन लोगों ने CA फाउंडेशन या CPT क्लियर कर लिया हो या फिर कॉमर्स फील्ड में वो ग्रेजुएशन कर रहे हो। इसमें कोचिंग जो रहेगी वो 11 AM से 31 मार्च तक अगर आप एनरोल्ड हैं। वर्चुअल कोचिंग क्लासेस रहेंगी और ये किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ही आपको अवेलेबल होगी। और फॉर्म फिल करने से गारंटी नहीं है दैट यू विल बी सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगे जाएंगे वो, अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। और आगे इसमें लिखा है कि WIRC SCF के पास सारे राइट्स से वो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर सकते हैं अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं, सीरियस नहीं है आप प्रोग्राम की साइड। और जो भी डिसीजंस WIRC और SCF के होंगे वो फाइनल बाइंडिंग होंगे। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इज गारंटीड टू कैंडिडेट्स, एंड इसमें आपको कोई कैश मनी नहीं मिलेगा। इसमें ट्रेनिंग, कोचिंग एंड प्लेसमेंट मिलेगा एलिजिबल स्टूडेंट्स को। और आपको जब आप डिटेल्स दे रहे हैं मींस आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर रहे हैं। तो ये था ओवरऑल अबाउट दी प्रोग्राम कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, प्रोग्राम में आपको कैसे करना है। यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, और वो फॉर्म से आपको सिलेक्शन प्रोसेस आगे की, फिर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको उसके लिए फिर आगे अपनी डिटेल्स वगैरह फर्निश करनी होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडिएंट CA फॉर मोर सच डिटेल्स एंड अपडेट्स। टिल देन बाय बाय।